हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूआर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज या खुशखबरी लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप बिहार से हैं और गर्ल्स हैं, मतलब कि फीमेल हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज कर दी है बिहार कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आखिरकार कैसी क्या वैकेंसी है और कौन सी कैटेगरी की महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, आप घर बैठे ही अपना फॉर्म यहां से फिलअप करवा सकते हैं। तो हर एक बात आपको बताने वाले हैं, बट आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन या घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और हाँ जी दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कैसा क्या करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आज ही आउट हुआ है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एड्रेस दिया है, हमको एड्रेस से मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति अंतिम तिथि 24/7/2020, मतलब कि इसकी लास्ट डेट को देखें तो आप नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख तक भर सकते हैं, मतलब कि अभी पर्याप्त टाइम है आपके पास, सीधा सीधा एक महीना। ओके, आप यहां पे देखेंगे क्या यहां पर लिखा गया है, बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद वेतनमान यहां पे दिया है, लेवल 3 रहेगा आपका, 21,700 से लेकर 69,100 तक आप लोगों का वेतनमान रहेगा। यहां पर रिक्तियों की संख्या दी है, टोटल वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आई है 454, मतलब कि जो लोग फॉर्म डालेंगे यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो मैक्सिमम चांस है उनके सिलेक्ट होने के। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं 454 आप लोगों की वैकेंसी है। और वो कौन सी महिलाएं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो आपको बता दें वो एसटी कैटेगरी या यूं कहें कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आप यहां पे देखिए, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति की महिलाएं नियुक्ति अद्यतन प्रक्रिया अनुसार निम्नानुसार की जाएगी। इस बटालियन में अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए सिपाही पद चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान, यहाँ पे ये डिटेल्स दी गई है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई डेट दी है और आपकी अंतिम डेट दी है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं इसके लिंक दूंगा तो आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिए आपको जो जो कुछ पढ़ना है। बट यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं कि अभ्यर्थी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, मतलब कितनी योग्यताएं हैं। तो आपको बता दें, यदि आप 10+2 मतलब कि इंटरमीडिएट हैं, तो आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए इजाजत है, आप बाकायदा डाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एसटी की महिलाएं जो 12वीं पास हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, या फिर और भी यहाँ पर अथवा के रूप में दिया गया है कि मौलवी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और भी संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी शायद अथवा आचार्य प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष से यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता होगी। इसी प्रकार से आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नबद्ध होगी। यहाँ पर आप लोगों की मिनिमम आयु काउंट की जाएगी 18 वर्ष यानी होनी चाहिए यदि आप डालना चाहते हैं एसटी कैटेगरी की महिलाएं, और आपकी मैक्सिमम काउंट होगी 30 इयर्स, मतलब कि इस तारीख को आपकी 30 से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है 5 साल का, यदि आप गृह रक्षकों से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात की गई है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या होगा, तो हाइट में यहाँ पर आप लोगों को कोई छूट नहीं मिलने वाली, मतलब कि इसका कोई अंक नहीं मिलने वाला। और आपको यहाँ पर बोला है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम यहाँ पे मिनिमम बोला है 155 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है रिक्वायर्ड है, मतलब कि इतनी आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए। आपको यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो इसका सिलेबस वगैरह दिया है कि मतलब कि आपका जो एग्जाम होगा, सबसे पहले आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यही है, आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आपको गोले टिक करने रहेंगे। इसी प्रकार से आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर फिजिकल के बारे में बताया है, मतलब आपका जो फिजिकल होगा सेकंड द्वितीय चरण वो कैसा क्या होगा। तो आपकी दौड़ रहेगी जो कि आपके यहाँ पर 50 अंक मिलेंगे, यहाँ पर अधिकतम अंक 50 है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर बोला गया है महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में, मतलब कि आपकी जो दौड़ रहेगी उसको 1 किलोमीटर दौड़ को आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। अब आपको दोस्तों यहां पर बता दें आपका जो टाइम फिक्स कर दिया गया है, मतलब इतने टाइम में आप करते हैं तो इतने अंक मिलेंगे। जैसे कि यदि कोई गर्ल्स 4 मिनट में से कम में कम्प्लीट करती है 1 किलोमीटर दौड़ तो उसको मिलेंगे 50 अंक, 50 में से 50। यदि कोई गर्ल्स 4 मिनट और 20 सेकंड तक करती है तो उसको 40 अंक मिलेंगे। यदि कोई गर्ल्स 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक करती है तो 30 अंक मिलेंगे।
यदि कोई गर्ल्स 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक करती है तो 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, चूंकि यह एसटी महिलाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पर अदर स्टेट की गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती, चूंकि यदि वो अदर स्टेट से करेंगी तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, और यह एसटी के लिए है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। ओके, चलिए अब देखते हैं और नेक्स्ट क्या बोला गया है। तो आपके यहाँ पर गोला फेंक कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर 25 अंक रहेंगे मैक्सिमम। आप लोगों का यहाँ पर वही फिक्स किया गया है कि 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 अंक मिलेंगे। ओके, और आपका यहाँ पर बोला गया है 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक आपको 13 अंक। इसी प्रकार से आपके 14 से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर बाकायदा बताया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप जैसे ही नेक्स्ट आएंगे तो आपको यहाँ पर ऊंची कून का बोला गया है कि आपके अधिकतम अंक इसके 25 अंक और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट। ओके, आपकी 3 फीट 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, 4 फीट 25 अंक आपको प्राप्त होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है, आप लोगों के फॉर्म कल से डालना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि सर मेरा फॉर्म आप डाल दीजिए प्लीज, तो आप लोग यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर्ड करा दें, ताकि जो जल्दी से कराएगा दोस्तों उसका सबसे पहले हो जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी टाइम है, बट फिर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे दें, हम उन लोगों के जल्दी से जल्दी यहाँ पर फॉर्म डाल देंगे घर बैठे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप चाहते हैं कि सर मेरा फॉर्म आप डाल दीजिए, तो आपको यहाँ पर नाम बताना होगा, आपको यहाँ पर लिंक मिलेगी, उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आपसे संपर्क करके हम पूछ सकें आपकी डिटेल्स, और यहाँ पर लिंक देंगे तो आप उसमें फिलअप कर सकें कोई भी प्रॉब्लम आने पर। तो चलिए बताते हैं कैसा क्या करना है आपको। तो दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर नाम लिखा होगा कि यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे, तो आपको ऐसी विंडो शो होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है, आपका ईमेल क्या है सही सही डालना, जिससे कि आपको ईमेल के द्वारा हम आपका जो फॉर्म सबमिट हो वो भेज सकें। ओके, तो आपको यहाँ पर ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, आपका नाम क्या है, और आपको डालना है क्या आपका मोबाइल नंबर। इतना जैसे ही आप डालेंगे तो कल आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं लिंक बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा, और आप जो जो इन्फॉर्मेशन मैं उसमें मांगूंगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा, आपको वहां पर सबमिट करने होंगे। देन इसके बाद आपका एप्लीकेशन बाकायदा भर दिया जाएगा, आपसे कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज अच्छे से भरी जाएगी, आप इसकी टेंशन ना लीजिए। आप लोगों को हो सकता है तो लाइव भी दिखा दूंगा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नाम सिर्फ डालना है अपना। ओके, लिंक पर जाके कि सर मैं भरना चाहता हूँ, मैं भरनी चाहती हूँ, सॉरी यहाँ पर गर्ल्स के लिए, तो वो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे। ओके, आप लोगों को घर बैठे ही आपकी ईमेल आईडी पर आप लोगों का जो फॉर्म भरेगा उसका पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं 2-5 रुपए में। ओके, आप लोगों का जो कुछ भी रहेगा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम कॉन्टेक्ट के द्वारा भी ले लेंगे, और आप लोगों को यहाँ पर लिंक दी जाएगी जिसके द्वारा आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना। डॉक्यूमेंट्स के लिए वहां पर ऑप्शन होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप फोटो खींच के और बाकायदा सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, वीडियो आई पसंद तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद जय भारत।